गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं फ्राइडे मॉर्निंग से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन और लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो लंच के लिए मैंने कल रात को ही सोच लिया था, मैं एक दिन पहले सोच के रख लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे क्या बनाना है, नाश्ता भी और लंच भी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते उठते एकदम से दिमाग काम नहीं करता है कि क्या बनाओ, समझ नहीं आता है, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसीलिए हमेशा मैं नेक्स्ट डे की मील प्रिपरेशन पहले से करके रखती हूँ, मतलब पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। और कुछ दालें वगैरह भिगोनी होती हैं जैसे राजमा या छोले बनाने हैं तो पहले दिन भिगो के रख लेती हूँ रात को। तो इस तरीके से काम ईजी रहता है और मॉर्निंग में उठ के फटाफट मैं अपना कुकिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो रात के धुले हुए बर्तन हैं वो सबसे पहले मैं अरेंज करके रख दूंगी, हस्बैंड के टिफिन बॉक्स जो हैं वो अलग निकाल के रखूंगी क्योंकि अभी मुझे उनमें खाना पैक करके देना है। तो आज के लंच मेन्यू में कढ़ी चावल बनाने का प्लान था और साथ में मसाला आलू कहो या फिर जीरा आलू कहो, वैसे जीरा आलू ही कहते हैं, तो जीरा आलू बनाने वाली हूँ। इसलिए मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे पहले से और अब मैं कढ़ी के लिए बैटर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दो बाउल में मैंने बेसन इसलिए लिया है क्योंकि एक में मैं पकौड़े का बैटर बना रही हूँ और एक में मैं कढ़ी के लिए बैटर बनाऊँगी। तो दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी पहले बेसन के साथ, उसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाऊँगी और उसके बाद मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। तो जब भी कढ़ी के लिए आप बैटर बनाते हो तो पहले बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लो ताकि उसमें बेसन की गांठें, दही की गांठें जो भी हैं वो सब ख़त्म हो जाए और पेस्ट जो है एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। और अगर हम डायरेक्टली पानी डाल लेंगे तो उसे घोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए पहले अच्छे से दही और बेसन का पेस्ट बना लें और उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी, करीबन 2 से 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी। और दूसरी तरफ मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करूंगी। तो पकोड़े के लिए वैसे मैं सिंपल बेसन के ही पकोड़े बनाती हूँ जब भी कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं प्याज वाले पकोड़े बनाऊँ। तो प्याज को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, फाइनली चॉप कर लूँगी और उसके बाद उसे मैं बेसन मिक्स करके थोड़े बहुत मसाले जो इसमें पड़ेंगे वो ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं इनको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छी कढ़ी बनती है और पकोड़े खाने में भी अलग से भी खा सकते हैं और कढ़ी में मिक्स करके भी खाए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पकौड़े के लिए बैटर बनके रेडी हो गया था, मीनवाइल मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट करूँगी और दूसरी तरफ कढ़ाई में आप देख रहे हैं मैंने राइस भी रख दिए हैं, तो एक तरफ राइस बन रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं, उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं जीरा आलू बनाऊँगी। तब तक यहाँ बढ़िया से गर्मा गर्म पकौड़े भी फ्राई होके रेडी हो जाएंगे। और पकोड़े फ्राई होके मैंने निकाल दिए हैं और इसके बाद कढ़ी में बढ़िया सा तड़का लगाना स्टार्ट करूँगी मैं। तो इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है करीबन 2 टेबलस्पून, इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और 2 हरी मिर्च डाल दी है जिसको मैंने स्प्लिट करके कट कर लिया है, साथ में 5 से 6 फ्रेश करी लीव्स हैं, इसके अलावा करीबन 1/2 टीस्पून मैंने राई के दाने इसमें डाले हैं, साथ में 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है, मेथी दाना के अलावा करीबन 1 टीस्पून जीरा भी मैंने इसमें ऐड किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बढ़िया टेस्ट मेकर है
स्पेशली कढ़ी में, वो मैंने डाला है करीबन 2 पिंच हींग। हींग आप ज़रूर डालें कढ़ी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है ये। तो इन सबको अच्छे से मैंने सौते कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने करीबन 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर डाला है। तो इन मसालों को अच्छे से भून के मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और उसके बाद दही का और जो बेसन का बैटर मैंने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर दूंगी। और जैसे बैटर मैंने ऐड किया है उसके बाद मैं फ्लेम ऑन कर लूंगी और इसको रेगुलर चलाते रहूंगी जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल आना स्टार्ट नहीं हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए जीरा आलू रहेगा और साथ में पूरी मैं बनाने वाली हूँ। वैसे पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं जीरा आलू के साथ, लेकिन बहुत दिनों से ना पूरी नहीं खाई थी तो आज पूरी खाने का मन कर रहा था। तो 4-4 पूरी मैं फ्राई कर लूँगी, इसलिए थोड़ा सा ही आटा लिया है। इसमें सूजी या फिर मेथी वगैरह अजवाइन कुछ भी नहीं डाला, मैं सिंपल सा आटा तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा सख्त इसका डो लगता है तो बस आटा लगा के थोड़ी देर में ढक दूँगी, करीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे। और मीनवाइल देखिए कढ़ी का कितना अच्छा कलर आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ गई है। तो बस मैंने जो पकोड़े फ्राई करके निकाले थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और पकोड़े डालने के बाद भी मैं इसको करीबन 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा बॉईल लगा लूँगी। और इसके अलावा सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया था तो सबसे लास्ट में मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। तो बस हमारी बढ़िया सी मसालेदार कढ़ी बन के तैयार हो गई है। तो ऑलमोस्ट सारा खाना बनके रेडी हो चुका है टिफ़िन के लिए और मीनवाइल मैं यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर लूँगी गर्मा गर्म। और गर्मा गर्म फुली फुली पूरियाँ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हस्बैंड अभी नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुके हैं तो अब मैं फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल लूँगी और उसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो पूरियां बन चुकी हैं और ये है हमारी बढ़िया सी कढ़ी। इसमें पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं और इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, जो जो मसाले मैंने डाले हैं तड़के के लिए वो ज़रूर आप ऐड करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं सारा खाना पैक कर दूंगी टिफ़िन के लिए, थोड़ा सा जीरा आलू मैं लंच के लिए भी पैक करूंगी और थोड़ा सा जो बचा है वो हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। तो बस गर्मा गर्म लंच पैक हो चुका है, अभी मैं इसको लिड नहीं लगाऊंगी क्योंकि खाना गर्म है, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं लिड लगा के इसको पैक कर दूंगी। मीनवाइल ये हमारा आज का मसालेदार टेस्टी सा ब्रेकफास्ट है। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 बज गए हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ अपने घर के कामों से। घर के काम मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, काम कभी ख़त्म तो नहीं होते, बस सुबह वाले जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं। और तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, आज मैंने हेयर वॉश किया है पूरे 3 दिन के बाद और गर्मी से बालों का बहुत बुरा हाल हो गया है, स्वेटिंग हो गई थी और बहुत ही चिपचिपे हो गए थे तो मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं करी। हेयर ऑयलिंग करके ना आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैं सोच रही थी एलोवेरा जेल लगाऊंगी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, घर के काम इतने सारे थे और मॉर्निंग में खाना वाना बनाने के बाद मैं थक जाती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के मैंने आराम किया, नाश्ता किया, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किए अपने। तो अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ, अभी भी थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो सूख चुके हैं, अभी बेड पे रखे हुए हैं तो वो मुझे फोल्ड करना है। फ़ोन को लगा दिया मैंने ट्राईपॉड में और ये जो पिक्चर है वो मैंने आपको दिखाई है शायद कई बार, और वो मेरी फैमिली पिक्चर्स है। सबसे ऊपर मेरा भाई है, उसकी फ़ोटो कॉलेज टाइम की, बीच में मैं और मेरे 2 कज़िन ब्रदर, और सबसे नीचे जो फ़ोटो लगी है वो मेरी और मम्मी की फ़ोटो लगी है। तो अभी मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊंगी उसका। तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैं अभी फ्री हुई हूँ और कल मैंने गोलगप्पे नहीं परसों बनाए थे, कल मैंने आपको दिखाया था और आज वाला व्लॉग गया है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करना,
तो कुछ दिनों के बाद जब मैं गोलगप्पे बनाऊंगी तब उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे गोलगप्पे की रेसिपी के, सब अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई कह रहा है गर्म पानी से आटा गूदो, कोई कह रहा है नॉर्मल पानी से आटा गूदो, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए पानी, कहता है सूजी ज़्यादा मिलाओ, कोई कहता है दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए, मैदा भी डालो, कोई बेकिंग सोडा डालता है। तो बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ थे और इतने सारे वीडियोज़ देख के मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गई मैं बनाऊँ किस तरीके से। तो जितने सारे वीडियोस हम देखते हैं ना उतना कन्फ्यूजन बढ़ता है और सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो वीडियोस तो मैंने बहुत सारे देख लिए लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाया है और सारे सबके वीडियोस में से कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने जो हैं वो फॉलो किए थे, तो उसको फॉलो करके गोलगप्पे मेरे ठीक ठाक बन गए थे। तो मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूंगी। बाहर का वेदर दिखाती हूँ मैं आपको, एकदम घने घने बादल लग गए हैं। मुझे लग रहा है ना बारिश हो सकती है थोड़ी देर में, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है इतने दिनों से, क्या पता बारिश हो जाए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, भयंकर वाली गर्मी। तो काश आज अच्छी वाली बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी हमको, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हम सब लोग गर्मी से यहाँ पे। और बाल मेरे सूख गए थे तो मैंने चोटी बना ली है, सिंपल सी चोटी, और इसमें मैंने बालों में मैंने सीरम लगाया है। और मैं सीरम कौन सा लगाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। बालों में सीरम मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ, लॉरियल का टोटल रिपेयर 5, ये वाला सीरम। ये आई थिंक 1-1.5 साल हो गया तब से ऐसे ही मतलब चल रहा है मेरा, क्योंकि इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, 4 या 5 बूंदें लो हाथ पे और पूरे बालों पे हो जाता है। इसको रूट्स पे अप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ बालों में लेंथ में इसको अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये काफी टाइम तक चल जाता है। और बाहर बारिश होने लग गई है। ये वाला गेट किसने खुला छोड़ दिया? गेट बंद करना पड़ेगा नहीं तो ये उड़ जाएगा पूरा, मतलब कि पूरा खुल जाएगा। और अभी हो गया है इवनिंग टाइम, तो लंच वाले बर्तन जो थे वो मैंने वॉश नहीं किए थे, और लंच में भी उतने ही बर्तन हो जाते हैं क्योंकि मैं खाना कंटेनर में खाली नहीं करती हूँ, कढ़ाई में रखे रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाना फिर से गर्म भी करना होता है, तो इसलिए कढ़ाई में ही दाल या फिर कढ़ी वगैरह सब्जी मैं वैसे ही रख देती हूँ। तो इस वजह से दोपहर में भी उतने बर्तन हो जाते हैं वॉश करने के लिए। बज गए हैं अभी और मैंने लंच के सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है, सिंक एरिया क्लीन करना था, बाकी किचन तो मेरा पूरा क्लीन था। और बारिश ना अभी भी हो ही रही है और करीबन 2-3 घंटे से बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत मतलब गर्मी में बहुत राहत मिली है, आज काफी अच्छा वेदर हो गया है तो फाइनली थोड़ी गर्मी से आज राहत मिली, अच्छा लग रहा है, मूड भी रिफ्रेश हो गया। मुझे करना है डिनर की प्रिपरेशन क्योंकि 6 बज चुका है और 7 बजे से पहले पहले मैं अपना डिनर बना के तैयार कर लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी होती है। तो चलिए अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे क्या बनाना है, तो फ्रिज में मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या रखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी।
तो अभी मैं ये कपड़े फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि ये कल वॉश किए थे और कल से ऐसे ही रखे हुए थे, तो बड़ा आलस आता है मुझे ये काम करने में। तो अभी मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं इस तरीके से बिखरे हुए, रूम बहुत ख़राब सा लगता है। तो मैं फटाफट से ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी और उसके बाद बाकी के काम कंटिन्यू करूंगी। आज बड़े दिनों के बाद बिल्लो आ गई है। हाय बिल्लो, कहाँ थी तू इतने दिन से? कहाँ थी तू? ये देखो बिस्किट खाने के लिए, रुको इधर आ, खा बिस्किट है। तो अभी नाइट टाइम हो चुका है, करीबन 8:30 बजने वाले हैं। तो मैं गर्मा गर्म रोटियां बना के तैयार करूंगी। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, आटा भी पहले गूंथ के रख लिया था, और अब मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हस्बैंड आए हैं, अभी वो फ्रेशन अप हो रहे हैं और उसके बाद हम लोग अपना डिनर कर लेंगे। और आज का हमारा डिनर बहुत ही सिंपल रहने वाला है। मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी हो गया था, आलू पूरी, और उसके बाद लंच भी थोड़ा सा हैवी हो ही गया था, क्योंकि कढ़ी चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कढ़ी चावल में पकोड़े भी होते हैं तो थोड़ा सा हैवी लगता है वो, तो इस वजह से डिनर हमारा बहुत ही सिंपल रहेगा। आलू और तुरई की सब्ज़ी मैंने बनाई है, तो उसके साथ हम लोग लेंगे मट्ठा। तो समर्स में हमारा खाना इसी तरीके से रहता है, सूखी सब्ज़ी के साथ में या तो हम लोग दही ले लेते हैं या फिर मट्ठा। 8:30 बजने वाले हैं और हमारा डिनर तैयार हो चुका है। सिर्फ दो पराठे बना रही हूँ मैं, क्योंकि पराठे खाने का मन कर रहा था, सिर्फ दो ही बना रही हूँ, एक अपने लिए एक हस्बैंड के लिए। हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, ये टिफिन का पैक मुझे खाली करना है। इसके अलावा दही का पैकेट आया है, एक मट्ठा आया है और एक ब्राउन ब्रेड। कल एग सैंडविच खाएंगे हम लोग, और मेरे पास कमेंट आया था कि आप एग और नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, तो एग और नॉनवेज मैं खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ अभी। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है ना, आजकल मन नहीं करता है खाने का, तो कभी कभी ओकेजनली हम लोग खा लेते हैं, बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि कल मॉर्निंग में एग सैंडविच बनाएंगे हम लोग। और रोटियां बनाते बनाते ना इतना बुरा हाल हो जाता है स्वेटिंग से, गर्मियों के टाइम पे ना किचन में खड़े रहना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसलिए 8:30 भी बजने वाला है, तारक मेहता का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले मैं फटाफट सारा काम निपटा दूंगी अपना, और उसके बाद हम लोग डिनर करते करते अपना फेवरेट शो देखेंगे। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग टू नाइट फुल डे रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, आगे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।